हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद केके। डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज 69 बीपीएससी मॉडल पेपर सेट 3। डियर स्टूडेंट्स, हमने मॉडल पेपर सेट 1 और 2 कंप्लीट किए, जो बिल्कुल जो आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप मॉडल सेट पेपर 1, मॉडल पेपर सेट 1 और 2 जरूर देखें। आपको बिल्कुल उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा और आपको फायदा मिलेगा उस वीडियो से। 69 बीपीएससी मॉडल पेपर सेट 3। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी मदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? ऑप्शन ए चाइल्ड ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी लुब्बाक ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी थॉमसन ने। तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था? ऑप्शन ए सुभद, ऑप्शन बी मोदक गल्यायन, ऑप्शन सी सारिपुत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सुभद। चौथा क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहां पर पाया गया है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी कागनहल्ली, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी कागनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए हर्मविज ने, ऑप्शन बी कुजुल कैडफिशेस ने, ऑप्शन सी बीम कैडफिशेस ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी बीम कैडफिशेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए गुप्तकाल। सातवां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विशिष्ट पद संदर्भित है ऑप्शन ए शाही सेना से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी बलात् श्रम से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी बलात् श्रम से। आठवां क्वेश्चन, अग्रहारिक नामक अधिकारी द्वारा देखभाल की जाती है? आठवां क्वेश्चन, अग्रहारिक नामक अधिकारी द्वारा देखभाल की जाती थी ऑप्शन ए धार्मिक न्याय की, ऑप्शन बी वन की, ऑप्शन सी कर संग्रहण की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए धार्मिक न्याय की। नाइन्थ क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है ऑप्शन ए जलोढ़ मैदान का, ऑप्शन बी सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन सी लोयस मैदान का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी सरोवरीय मैदान का। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए आइसलैंड में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। ग्यारहवां क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील है ऑप्शन ए कोलेरू, ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन सी अष्टमुदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी अष्टमुदी। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंबल नदी। तेरहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है झील और उनकी अवस्थिति का, देखते हैं। ऑप्शन ए पुलिकट केरल में, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी लोनार महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पुलिकट केरल। चौदहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी काली मिट्टी। पंद्रहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बराकर नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए टिहरी परियोजना, ऑप्शन बी सलाल परियोजना, ऑप्शन सी मैथन परियोजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैथन परियोजना। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जापान से। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 125, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर उठता है। ऑप्शन ए बत्ती में केशिका क्रिया के कारण, ऑप्शन बी बत्ती का गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन सी बत्ती से होकर तेल का विसरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए बत्ती में केशिका क्रिया। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ध्वनि तरंग। 21वां क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दो नंबर, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तीन नंबर, समुद्र के तल का नीला दिखाई देना। ऑप्शन ए चार नंबर, तारों का टिमटिमाना। प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली घटनाओं के संदर्भ में ये चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है गलत है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन सही है, ऑप्शन सी केवल एक दो और तीन सही है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट में से ऑप्शन सी एक दो तीन, तीनों सही है। 22वां क्वेश्चन, CFL से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ऑप्शन सी सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। 23वां क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी चार गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर जो ऑप्शन ए आधी हो जाएगी। चौबीसवां क्वेश्चन, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 7 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? ऑप्शन ए 5 यूनिट, ऑप्शन बी 14 यूनिट, ऑप्शन सी 10 यूनिट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग बिजली का यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग किलो वाट आवर कैलकुलेट करते हैं। एक यूनिट इजकल टू 1 किलो वाट आवर, 1 किलो इट मीन्स 1000 वाट आवर, और 1000 वाट आवर इट मीन्स कि आपको आपके पास 20 घंटे हैं, 1000 वाट की क्षमता का एक बल्ब लगा रखा है, सॉरी 100 वाट, आपने 100 वाट की क्षमता के एक बल्ब लगा रखा है, 20 घंटे तक चलाते हैं और 7 बल्ब हैं, तो इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 14000 वाट आएगा, मतलब 14 यूनिट बिजली खर्च होगी 20 घंटे में 100 वाट की बल्ब से 7 बल्ब में। तो इस तरह से आप अपने घर का कितना कंजप्शन है बिजली का वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 14 यूनिट। 15वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन बी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 27वां क्वेश्चन, सामान्य आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। 28वां क्वेश्चन, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है? ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी परावैगनी किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी अवरक्त किरणें। 29वां क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1582, ऑप्शन बी 1584, ऑप्शन सी 1583, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए 1582। 30वां क्वेश्चन, प्रति छाया बैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां, ऑप्शन बी बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, ऑप्शन सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन तीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? ऑप्शन ए सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन। 33वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मलिक जानी, ऑप्शन बी एवाज, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जो ऑप्शन ए मलिक जानी। 34वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जो ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन, गुप्त काल से संबंधित सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कामंदक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी आर्यभट्ट। 36वां क्वेश्चन, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मल्लिक इब्राहिम, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। 38वां क्वेश्चन, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी गोवा। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन ए एमवी गंगा विलास, ऑप्शन बी एमवी भारत विलास, ऑप्शन सी एमवी गंगायान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए एमवी गंगा विलास। 40वां क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 12। 41वां क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब स्वर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए 10%। 42वां क्वेश्चन, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। 43वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी लखीसराय। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली। 45वां क्वेश्चन, बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 16। 46वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में नाबार्ड हार्ट मेला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए जमुई में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी दरभंगा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी पटना में। 47वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पीके सिंह को, ऑप्शन बी दुनिया राम सिंह को, ऑप्शन सी डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर दुनिया राम सिंह को। 48वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए व्यापारी। 49वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे?
ऑप्शन ए ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग से, ऑप्शन बी मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा, ऑप्शन सी सिंध विजय कर भारत आने वाले तुर्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा। 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल टेस्ट पेपर। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? ऑप्शन ए नक्शवी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 69th बीपीएससी मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किए। हमने मॉडल पेपर 1 और 2 भी कवर किया है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन को कवर किया, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।